हेलो प्रोग्रामर्स, आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे पाइथन में फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को। सो गाइस, जिन लोगों ने सी प्लस प्लस या जावा को लर्न किया है उन्हें पहले से पता होगा कि ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, ओवरराइडिंग जब भी करेंगे तो पहली बात इनहेरिटेंस का होना जरूरी है। अगर इनहेरिटेंस नहीं है तो ओवरराइडिंग हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। इनहेरिटेंस के केस में ओवरराइडिंग पॉसिबल होती है। तो आइए देखते हैं ओवरराइडिंग है क्या। सो बेसिकली, व्हेन ए चाइल्ड क्लास डिफाइंस ए मेथड ऑफ पेरेंट क्लास विद सेम नेम एंड सेम आर्ग्यूमेंट्स, देन इट इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। यानी जब कोई एक चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास के किसी फंक्शन को सेम नाम के साथ में, सेम आर्ग्यूमेंट के साथ में वापस डिफाइन कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। When we call such method by child class object, then it always calls the method of child class. जब हम किसी overridden method को child class object से call करेंगे, तो by default हमेशा child class वाली definition ही उस overridden function की call होगी। To call the base class definition of overridden method, we use. अब अगर आपको base class definition को call करवाना है child class के साथ में उस ओवररिडन मेथड की, आपको क्या करना होगा? पहले पेरेंट क्लास का नेम लिखना होगा, फिर डॉट ऑपरेटर, देन जो ओवररिडन मेथड है उसका नेम, और फिर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। इससे क्या होगा? जो चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट है उससे, उसके थ्रू पेरेंट क्लास की डेफिनेशन ओवररिडन मेथड की कॉल हो जाएगी। आइए इसे एक डायग्राम से समझते हैं हम। देखिए, सपोज हमारे पास एक ए क्लास है, उससे इनहेरिटेड क्लास है बी। सपोज दैट ए के अंदर एक फंक्शन था आउटपुट, जो ना तो कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है, मतलब सिंपल एक जो सेल्फ वाला आर्ग्यूमेंट होता है वही, और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, और सिंपल कुछ भी मैसेज प्रिंट करा रहा है। नाउ बी क्लास में भी मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब डिफाइन करेंगे क्यों? ऐसा इसलिए हो सकता है, सपोज दैट ए की जगह शेप क्लास होती, हर शेप का एरिया होता है, तो सपोज कैलकुलेट एरिया फंक्शन होता। अब ए से इनहेरिटेड होता, सॉरी, शेप से इनहेरिटेड होती हमारे पास सर्कल, अगर तो सर्कल के अंदर भी क्या होता? एरिया के लिए मेथड बनाया होता, दोनों का नाम सेम होता, तो क्या हो जाती है? वो ओवरराइडिंग। खैर, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल बाद की बात है, अभी अपन जो इजीली समझ में आया उस एग्जांपल को देख रहे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो बी में भी सपोज हमने एक ही तरह आउटपुट को डिफाइन कर दिया, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि आउटपुट जो फंक्शन है उसको हमने ओवरराइड कर दिया है बी क्लास के अंदर, ठीक है ना। आइए इसको हम एक कोड एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं इसका एक। सबसे पहले सबलाइन स्टार्ट करते हैं। नाउ यहां पे हमने क्या करा, एक न्यू फाइल बनाई, सबसे पहले क्लास बना दी ए, इसको सेव कर देते हैं ओवर राइडिंग नाम से, overriding.py, ठीक है। एक क्लास ए बन गई हमारी। यहां हमने एक आउटपुट करके फंक्शन डिफाइन कर दिया, जिसमें एक ही आर्ग्यूमेंट है सेल्फ, मैसेज प्रिंट करा दिया हेलो फ्रॉम आउटपुट ऑफ क्लास ए, फाइन। नाउ क्लास बी बनाई हमने, जिसको ए से इनहेरिट किया। एक बार सपोज मैंने यहां से पास लिख के छोड़ दिया इसको, यानी बी में अभी कुछ भी नहीं है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, इसको बी टाइप की हमने मेमोरी दे दी। अब इस ओबीजे के साथ में हमने कॉल करवा दिया किसको? आउटपुट फंक्शन को, ठीक है। इसे रन करा के देखते हैं। रन कराने के लिए राइट क्लिक किया सबलाइम में, ओपन विद कंटेनिंग फोल्डर, जैसे इस पे क्लिक किया ये विंडोज का फाइल एक्सप्लोरर खुल गया। यहाँ पे एड्रेस बार में जाके टाइप किया सीएमडी, एंटर प्रेस कर दिया, पाइथन कमांड और उसके बाद में फाइल का नेम। अब देखिए, बी में मैंने डिफाइन नहीं किया था, तो ये क्या कर रहा है? ए वाले आउटपुट को ही कॉल कर दे रहा है। अब सपोज दैट मैं बी में खुद का भी डिफाइन कर देता हूं आउटपुट, यहां हमने प्रिंट लगा दिया और मैसेज दे दिया हेलो फ्रॉम आउटपुट ऑफ क्लास बी। यहां सेम फंक्शन को हमने वापस डिफाइन किया, इसका मतलब यहां पे हमने क्या कर दी? ओवरराइडिंग कर दी किसकी? आउटपुट फंक्शन की। नाउ सपोज दैट मैंने इसको सेव कर दिया, कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन है, सेम कमांड को हमने रन कराया। अब कौन सा आउटपुट कॉल हो रहा है?
बी क्लास वाला, ठीक है ना। नाउ सपोज दैट मैं ए क्लास वाले आउटपुट को कॉल करना चाहता हूं, तो मैं इस तरह से लिखूंगा ए डॉट आउटपुट और ओबीजे को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में बी क्लास वाला कॉल हो गया, डायरेक्ट कॉल किया, और चाइल्ड पेरेंट क्लास के नाम से हमने आउटपुट कॉल किया और चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, तो ओवररिडन मेथड का पेरेंट क्लास डेफिनेशन कॉल हो गया, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर सीधा ए डॉट आउटपुट लिख देते, तो नहीं ये काम नहीं करेगा, मैं आपको दिखा देता हूं, एरर दे रहा है हमें, ठीक है गाइस। तो यहां पे अपने को बी क्लास के ऑब्जेक्ट को एज आर्ग्यूमेंट पास करना है, यानी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो ये था हमारे पास ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर। अच्छा एक चीज और आती है, जो लोग सी प्लस प्लस या जावा पढ़ के आए उन्हें पता है फंक्शन ओवरलोडिंग का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, बट पाइथन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं एक नोट डाल के लिख दे रहा हूं, पाइथन डज नॉट हैव फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर हम दोबारा से डिफाइन करें, विद सेम नेम एंड डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, देन अर्लियर डेफिनेशन इज ओवर रिटन, ओवर राइट हो जाती है, हट जाती है, ठीक है ना। यानी पाइथन के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर हम किसी फंक्शन को आर्ग्यूमेंट चेंज करके डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो पुरानी डेफिनेशन हट जाती है, उसकी ओवरराइट हो जाती है। जैसे मैं आपको करके भी दिखाता हूं, एक न्यू फाइल बना दी, सिंपल एक फंक्शन बनाया हमने, पहले इसको सेव कर देते हैं, जैसे हमने बना दिया शो करके एक फंक्शन, सिंपल फंक्शन है, एंड प्रिंट करवा दिया हमने हेलो फ्रॉम शो। नाउ सपोज मैंने एक बार और डिफाइन कर दिया शो को, एंड एक आर्ग्यूमेंट रख के छोड़ दिया, मैंने आर्ग्यूमेंट चेंज किया हेलो फ्रॉम शो, एंड यहाँ पे एक्स को मैंने प्रिंट करा दिया। अभी इसको रन करा के देखें, हमने कॉल नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, मैंने नाम क्या दिया था, आई थिंक ओवर करके कुछ दिया था, एक सेकेंड नाम देख लेते हैं, फंक्शन करके मैंने इसको नाम दिया है। तो पाइथन फंक्शन ओवरराइड, कुछ नहीं आया अभी, कोई एरर भी नहीं है, यानी डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन करने के बाद हुआ क्या, सपोज मैंने शो को यहाँ पे कॉल किया, कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, एरर दिखा रहा है शो मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसकी जो पहले वाली डेफिनेशन है वो हट गई जैसे ही मैंने दोबारा से डिफाइन किया है। नाउ मैं आर्ग्यूमेंट पास करके कॉल करूंगा तो कॉल हो जाएगा, लेकिन कॉल कौन सी डेफिनेशन होगी, सेकंड वाली, पहली वाली यहां से हट चुकी है, ठीक है गाइस। तो ये हमने देखा कि फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो पाइथन में नहीं है, उसकी बजाय अगर आप डिफाइन करोगे आर्ग्यूमेंट चेंज करके सेम नाम के साथ तो फंक्शन ओवरराइट हो जाता है, यानी हट जाता है। सो गाइस होप सो आप लोगों को समझ आया होगा फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है और फंक्शन ओवरराइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777, उस पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।